आज हम आपको एक ऐसी बच्ची की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी गले की नस जन्म के समय ही खिसक गई और वह अपनी गर्दन नहीं उठा पा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास खंड मैनपुर के आयुर्वेदिक ग्राम उरमाल के 1.5 वर्षीय बच्ची दिव्यांशी की। क्या हुआ, क्या समस्या है? ये कितने दिनों से है? जिसके जन्म के समय से ही गले की नस खिसक जाने के कारण वह अपनी गर्दन उठाने में असमर्थ है और दिव्यांशी जन्म से ही इस समस्या से पीड़ित है। बता दें कि दिव्यांशी के माता पिता दोनों ही गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें दो वक्त की रोटी के लिए आए दिन घर से बाहर निकलकर मजदूरी करनी पड़ती है। कहाँ कहाँ लेकर के गए इलाज के लिए? भवानीपटना, बोरला, नगरमपुर लिए थे। पैसा कम होने के कारण हम इलाज से पैसा ज्यादा होने के कारण हम वापस चले आए। दवाई थोड़ा बहुत लाए, ज़्यादा बोलने के कारण हम लोग दूसरा जगह से हम चले आए। ये कितने दिनों से है इसकी समस्या? ये बचपन से ही है। सिर में पूरा ठीक से नहीं हल रहा है। इसी मजदूरी के भरोसे ही वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बच्ची के इलाज के लिए कर्ज लेकर उड़ीसा के हॉस्पिटल नौरंगपुर, बिरला, विषम कटक सहित कई जगहों पर ले गए। उड़ीसा के बड़ी बड़ी हॉस्पिटल लेके गए, जैसे नगरमपुर, भवानीपटना, विषम कटक लेके गए। ज़्यादा रकम बोलने के कारण थोड़ी बहुत इलाज करके घर में ले आए। तो शासन से आप क्या मांग रखते हो? शासन से जो मेरी बहन की छोटी बच्ची को शासन की तरफ से कुछ इलाज हो सके, जो वो ठीक हो सके। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में फीस की मोटी रकम के कारण वे अपनी बच्ची का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। दिव्यांशी का परिवार हमेशा इस चिंता में रहता है कि कब उनकी बच्ची स्वस्थ होगी। उक्त परिवार अपनी खराब स्थिति के बावजूद भी अपनी बच्ची के इलाज के लिए खेती बाड़ी व गहनों को गिरवी रखकर इलाज करवाने का प्रयास कर चुका है, लेकिन बच्ची की स्थिति आज भी जस की तस है, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से गुहार भी लगाई है। और अब देखते हैं कि प्रशासन के कानों में कब इन गरीब माता पिता की दर्द भरी फरियाद पहुंचती है। देवभूम से देशबंधु नेताम की रिपोर्ट। इसी प्रकार अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए द हॉकर न्यूज के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर खबर की पहली अपडेट आप तक पहुंच सके। द हॉकर का एंड्रॉयड ऐप भी उपलब्ध है, जहां मिलेगी आपको आपके क्षेत्र के ताजा तरीन खबरों की पहली अपडेट।